फ्रेंड्स, फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। इसके लिए हमने यहाँ पर दो कलर लिया है, पिंक ग्रीन, थ्री प्लाई ऊन है हमारा और क्रोशिया हमने यहाँ पर 10 नंबर का लिया है। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ग्रीन कलर लेनी है, धागे में हमें नोट लगा लेनी है, फिर हमें यहाँ पे 8 चैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर हुक पे हमें 2 टाइम धागे को लपेटना है। फिर जो हमारी पहली चैन है इस पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। धागे को थोड़ा सा हमें लंबा लेना है, फिर 1, 2, 3 इस तरह हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें 8 चैन बनानी है, 1, 8, फिर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। जो हमारा पहला चैन है, ये जो हमारा पहला चैन है यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। थोड़ा सा धागे हमें लंबे लेनी है, फिर 1, 2, 2 करके हमें 3 टाइम लेनी है। ये देखिए इस तरह हमें बनानी है। फिर 8 चैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर ट्रिपल क्रोशिया। हमारी जो पहला चैन है उस पर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, 1, 2, 3 इस तरह करके हमें जितनी लंबी तोरण पट्टी बनानी है उतनी लंबी इसे हमें बना लेना है। ये हमने यहाँ पे इसे बना लिया, जितनी लंबी आपको तोरण पट्टी रखनी है ये देखिए उतनी लंबी इसे हमने बना लिया है। धागे को हमें कट नहीं करना है, यहाँ पे जो हमारा धागा है उसे हमें लंबा कर लेना है। फिर जो हमारा सेकेंड कलर है अब हमें वो लेनी है। धागे में सबसे पहले हमें नोट लगा लेनी है, ये देखिए जहाँ पे हमने इसे फिनिश किया है वहाँ से हमें इसे स्टार्ट करना है। ये हमारा फिनिश पॉइंट है, यहाँ से हमें इसे स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे इसे हमें जॉइंट कर लेनी है सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, धागे को हमें हाइड करते हुए चलना है। तो यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है, 1, 2 इस तरह हमें बनानी है। फिर 1 चैन, फिर जो अगला स्पेस है फिर हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2, फिर 3 चैन, 1, 2, 3, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है, 1, 2, फिर 1 चैन, फिर अगले स्पेस में हमें जानी है। ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया जो हमने बनाया था उसी ट्रिपल क्रोशिया पर हमें बनानी है, 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और हमें बनानी है, फिर 1 चैन, फिर हर स्पेस में हमें इसी तरह बनानी है। ये देखिए इस तरह हमें हर स्पेस में बना लेनी है, 2 डबल क्रोशिया 3 चैन 2 डबल क्रोशिया, फिर जब अगले स्पेस में हमें जानी है तो 1 चैन। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड ये कंप्लीट हो चुकी है, ये हमने बना लिया 1 चैन। धागे को हमें कट कर लेना है। अब हमें जहाँ पे हमने ग्रीन कलर छोड़ा था अब हमें वहाँ पर जानी है, फिर हमें अब दूसरी तरफ हमें इसे बनाना है। फिर हमें यहाँ पे 8 से 10 चैन बनानी है, ये हमने बना लिया। फिर जो हमारी ये डबल क्रोशिया है पहली वाली वहाँ पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। फिर हमें यहाँ पे 8 चैन बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर जहाँ हमने 1 चैन बनाया था ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट कर लेनी है। ये देखिए इस यहाँ पे आप ज़्यादा चैन भी ले सकते हैं, इसे ही हमें हैंग करना है, इस पोर्शन से हमें हैंग करना है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा चैन भी आप इसे बना सकते हैं। फिर हमें 8 चैन बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर अगले वाले स्पेस में जहाँ हमने 1 चैन बनाया था वहाँ पे हमें इसे जॉइंट करनी है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया से
ये देखिए 8-8 चेन हमें बनानी है, और जहाँ पे हमने एक चेन बनाया था इस डिज़ाइन को हमें छोड़कर, जहाँ पे हमने एक चेन बनाया था वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट करनी है। तो इसी प्रोसेस से इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन ये हमने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने यहाँ पे लास्ट में भी जो हमारी लास्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेनी है। फिर हमें 8 चैन बनानी है, 8 से 10 चैन बना के फिर हमें इसे ज्वाइंट कर लेनी है। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन हमने बना लिया। फिर जो हमारा यहाँ पे है ये देखिए, जो हमने जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट कर लेनी है सिंगल क्रोशिया से। फिर एक चेन धागे को हमें कट कर लेना है यहाँ पे दोनों तरफ। हमने यहाँ पे ज़्यादा चेन हमें बनानी है, हमें इसे हैंग करना है यहाँ से, इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा चेन बनाया। ये देखिए तोरण पट्टी बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटा घड़ी पर क्लिक जरूर करें कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलती हूँ अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।